शादी के फेरे के साथ वचन क्यों दिए जाते हैं दुल्हा और दुल्हन को? एक, पहले फेरे में दुल्हन आगे चलती है और अपने होने वाले जीवन साथी से ये वचन मांगती है कि जब भी आप जीवन में कोई तीर्थ यात्रा, हवन, पूजा या अन्य कोई धर्म कार्य करेंगे तो वो आप मुझे अपने साथ रखेंगे, तो मैं आपके वामांग में आना चाहूंगी। दो, दूसरा वचन, दूल्हे से दूसरा वचन दुल्हन लेती है कि मैं जिस तरह से अपने माता पिता का सम्मान करती आई हूँ, उसी तरह से आपके माता पिता और परिजनों का सम्मान करूंगी, घर की मर्यादा का ध्यान रखूंगी, लेकिन मेरी ही तरह आप भी मेरे माता पिता का सम्मान करेंगे और घर परिवार को अपना मानेंगे, तो मैं आपके बाएं यानी वामांग आना पसंद करूंगी। तीन, तीसरा वचन, तीसरे फेरे में दुल्हन दूल्हे से ये वचन लेती है कि मैं जीवन की तीनों अवस्थाओं, युवावस्था, गौरावस्था, वृद्धावस्था में आपका साथ निभाऊंगी, अगर आप भी मुझे ऐसा वचन देते हैं तो मैं आपके वामांग आना चाहूंगी। चार, चौथा वचन, शादी के तीन वचन पति से लेने के बाद चौथे वचन में दूल्हा आगे आता है। इसके बाद दुल्हन पति से वचन मांगते हुए कहती है कि अब तक आप घर परिवार की चिंता से मुक्त थे, विवाह के बाद परिवार की जरूरतों को पूरा करने का दायित्व आप पर होगा, अगर आप इसे निभाने को तैयार हैं तो मैं आपके वामांग में आना चाहूंगी। पांच, पांचवा वचन, पांचवें वचन में कन्या अपने अधिकारों की बात करते हुए दूल्हे से वचन मांगती है कि घर के कार्यों में, विवाह आदि लेन देन और किसी अन्य चीज पर खर्चा करते समय अगर आप मेरी भी राय लिया करेंगे तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। छह, छठा वचन, शादी के छठे फेरे में दुल्हन दूल्हे से ये वचन मांगती है कि अगर मैं अपनी सखियों, परिवार या अन्य लोगों के बीच बैठी हूँ तो आप कभी मेरा सामाजिक रूप से अपमान नहीं करेंगे, साथ ही जुआ आदि किसी भी बुरी आदतों में नहीं फंसेंगे, अगर आप मुझे ये वचन दें तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। सात, सातवां वचन, शादी के आखिरी यानी सातवें फेरे में दुल्हन कहती है कि आप पति पत्नी के आपसी प्रेम का भागीदार किसी अन्य को नहीं बनाएंगे और अन्य स्त्रियों को माता की भांति सम्मानजनक दृष्टि से देखेंगे, अगर आप ये वचन दें तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करूँगी।